दूसरा सिंगार हम लोग कराते हैं उनको कि उद्भव वास्तव, क्योंकि गाना जब एक्सप्रेशन देना है तो कभी सॉफ्ट कभी लाउड कभी, तो इसकी एक एक्सरसाइज है क्या देखा सुनो करते कर, खाली उद्भव वास्तव देखा लो, 0 पॉइंट से उठेगी गाने में, जैसे वो दम मारो दम में देखो तो एक्सप्रेशन अगर नहीं होगा उद्भव तो मैंने दम जानो दम मारो दम मिट जाएगा सॉफ्ट लाउड नहीं करेंगे तब देख नहीं आएगा इसके लिए बहुत मुश्किल होता है जो वॉल्यूम सॉफ्ट से लाउड करना और लाउड करने के बाद भी सुर हिलना नहीं चाहिए अपने पॉइंट से और उसकी मिठास भी उतनी रहनी चाहिए तो ये अभ्यास बहुत जरूरी होता है। मैं जब गाती हूँ तो मुझे जब एक्सप्रेशन देने होते हैं तब लगता है कि उद्भव उत्सव का रियाज और करना चाहिए, मतलब वॉल्यूम सॉफ्ट से लाउड लाउड से सॉफ्ट। इसका ये सबसे सभी अपने अपनी जगह पे मुश्किल है लेकिन स्ट्रेट नोट अभी भी बोलते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, जैसे स्ट्रेट लगाओ खाली नोट सभी ने काफी लोगों ने बहुत अच्छी बजाई, लता भाई मेहदी हसन रफी साहब को मेहदी साहब की देखो गजल में बहुत ही मैंने जावेद साहब भी जागर अब के हम बिछड़े बिछड़े अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों के हम बिछड़े। जावेद जैसे ये गजल आपने गाई
इसमें सही सीधे सुर का सही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसी को अगर वाइब्रेशन के साथ हम लोग गाएं तो कैसा लगेगा? क्योंकि आपने ये हमेशा कहा है कि कौन सी बातों का कहाँ और कैसे और कितना इस्तेमाल करना है जिससे गाना परफेक्ट या खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि ये जितने जो रस हैं, जब कि आपको सब सुरों के रस बताए हैं कि ये सिंगार है इसका, वो सिंगार भी अगर सही ना हो तो इसका, जैसे हंसने की बात हम रोके करें तो कैसे लगेगा, और रोने की बात हंस के करें तो कैसे लगेगा। अभी जैसे आपने गाई आपके हम बिछड़े, साधा ये अगर आप बोलो कि वाइब्रेशन में गाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, सुनाओ जैसे अब के हम बिछड़े बिछड़े अब के हम बिछड़े। सब सुर बराबर होते हैं के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता, ये सेम चीज़ है। अभी आपने बाबुल मोरा ये जो है ना पूरे वाइब्रेशन में बाबुल मोरा, अब ये अगर स्ट्रेट नोट में गाइए आप, स्ट्रेट नोट बहुत है जो है ना बाबुल मोरा, नहीं ऐसे लगेगा। देखना आपने जो है ना छोटी छोटी बातें भी ऐसे है, बस यही है सुर मेरा। ऐसे फिर छोड़ है, छोड़ का एक अलग रंग है, मीण का एक अलग रंग है अपना, बस ये है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे एक ऐसा एपिसोड रखें जिसके अंदर पूरा सिर्फ समझाएं कि और क्या क्या सुरों के सिंगार हैं। जैसे आपके पास कितने बच्चे आए हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं? हाँ। सोनाली रोहतक की रहने वाली है मैंने सुना। हाँ। है वो आपके पास आई कैसे? एक एक बच्चों का इंटरेस्टिंग किस है कि कैसे यहाँ आए क्या आए, सोनाली बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं छोटी थी तब एक बार रेडियो पे गाना आ रहा था, तो वो गाना इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा ये कौन है, मुझे लगा था कि ये शायद लता जी ही होंगी, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन जब अनाउंस हुआ तो उसमें नाम आया, अभी आपने जो गाना सुना वो साधना सरगम ने गाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा गाना था वो, बताइए था वो फिल्म पिघलता आसमान का था, जिया नहीं लागे, बहुत अच्छा गाना था। तो मुझे लगा ये किनसे सीख रही हैं, कौन है, तो जब पता चला कि कल्याणी भाई से सीख रही हैं तो बॉम्बे आई मैं और कल्याणी भाई से मिली और मैं भी उनसे सीखने लगी। 9-10 साल की थी और ऐसी आ गई एकदम, बल्कि बस में जाना ही नहीं है मुझे रोहतक, बस यहाँ ही रहना है, ऐसे पूरी फैमिली को लेके आई, अंकल की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत लकी हैं और बहुत अच्छे हैं। से जावेद जी, जावेद तुम बताओ कैसे आए? मैं एक्चुअली यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था, तो मैं एक जगह गा रहा था तो वहाँ एक मृदंग राज जी करके उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे वहाँ सुना, फ़ोन पे सुना, तो उन्होंने कहा कि तुम फौरन यहाँ आ जाओ, मैं कल्याणजी भाई से तुम्हें मिलाऊंगा। तो मैं उनके घर पे गया मृदंग राज जी के, तो उन्होंने फ़ोन पे कल्याणजी भाई को सुनाया, फिर वहाँ से कल्याणजी भाई ने बोला तुम फौरन यहाँ पे आ जाओ, फिर मैं वहाँ गया, तो ऐसे करके ये ज़रिया बना। लेकिन छोटा तो कमाल लोगों ने क्या कहा, किसने तो हार, एक हम ओशो आश्रम में एक प्रोग्राम चल रहा था हमारा वहाँ, उस टाइम तो रजनी सिंह थे, तो एक ने आके खुश होके अपना हार को पहना दिया, एक हार ऐसे तो काफ़ी टाइम, मतलब इतने इसके गाने भी प्रभावित होते थे। ऐसे हमारे संजय जी, ये भी अमरावती से हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा फ्यूचर, वॉइस क्वालिटी, और सिर्फ गाना नहीं इसके साथ अरेंजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा है कि इसमें इतना अच्छी तरह तालीम हम लोग लेते हैं अलग अलग तरह से, कि नॉट ओनली म्यूज़िक तो हमारा मेन बेस है, साथ साथ में किस तरह से हम लोग अच्छी तरह बैलेंस रहे, अपना जीवन भी कितना सुरीला बनाए, किस तरह से ह्यूमर हो, पूरी पूरी ज़िंदगी किस तरह से हम लोग अच्छी तरह बिता सके, वो सारी तालीम हम लोग इस कलावीर एकेडमी में पाते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये यहाँ बैठे हैं हमारे बोले बैठो काफ़ी हैं, ये ओजस अडिया आकोट से हैं, ये तो लिमका बुक 4 साल के थे तब से हमारे साथ हैं लिटिल वंडर्स में, और इनका जब तबले पे मारो एक लड़का लगा मारो लड़ा, क्या बात है। बोल रहे हैं बोल के तकड़ता
बात है। क्या बात है? वाह वाह, इनके गुरुजी मृदंगराज जी से तैयार हो रहे हैं, बहुत ही कमाल है। यहाँ हमारे विकी राजा बिहार से आए, उनका भी कभी कमाल दिखाएंगे। अकेला आदमी क्या क्या बजा सकता है, पूरे यानी एक गाने के अंदर जो जो कुछ बज रहा है वो सब पूरा ये बजा सकते हैं। गिर गिर। साधना जी को यहाँ आके क्या फर्क महसूस हुआ? आप तो सीखी हुई थी। हाँ, ये बस अच्छी है। क्लासिकल सीखने के बाद इसका सुर होता था खाली पाँच नीचे का सुर, जो फिल्म लाइन के लिए बहुत मुश्किल था उसके लिए, तो सुर चेंज करके करना गया। क्योंकि यहाँ जब काली एक या काली दो में जब तक सिंगर गाते नहीं है, यहाँ की वॉइस मैच नहीं होती है। तो ये सब कुछ करके करके और इसने इतना कमाल किया कि जो जो कुछ बोला इसको कि ये करना ही है, ये करना है। पहले तो बोले मुझे क्लासिकल में से चेंज मत कीजिए, लेकिन योग लिखा था मैंने, तुम फिल्म लाइन कभी करो, क्लासिकल तो करेंगे ही अपन। तो पहले नहीं मानती, बाद में मान गई, मान जाने के बाद तो उसने कमाल कर दिया। आप प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो और कुछ टेक्निक्स आपने बताई वो मुझे बहुत ही फायदेमंद रही मेरे लिए। और जैसे रेंज मेरी इतनी नहीं थी, तो रेंज धीरे धीरे हाफ हाफ नोट करके बढ़ाई। फिर मेरी मदर टंग है मराठी, तो वो झलक आ जाती थी बोलते समय या गाते समय। तो मैंने सैयद अहमद सैयद करके मौलवी साहब थे, उनसे उर्दू मैंने सीखी है। यानी जो लगन है ना, जो कि आज इतने होने के बाद इतना काम करती है, उसके बाद भी देखो तो उसको जो एक रंग गई है उसमें, बस ये इसकी खूबी है। और एक अच्छे इंसान की बढ़िया। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने पिछले 50 वर्षों से हमारे दिलों पर राज किया है अपने संगीत के माध्यम से। हम कल्याण जी भाई से पूछेंगे कि वो फिल्म लाइन में आए तो म्यूजिशियन के तौर पर, फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बन गए। हाँ, ये भी बहुत लंबा किस्सा है कि हमारे सुभाष देसाई, मनमोहन देसाई उनके बड़े भाई होंगे, इन्होंने एक दिन मैंने नागिन में बीन बजाई नहीं थे, सती नाग के नामे में बजाता था, तो एक बैकग्राउंड का पीस बजाया मैंने, तो वो इतने खुश हो गए। तो किसी को पूछा कि लड़का कौन है, तो उन्होंने किसने कह दिया ऐसे ऐसे ही कुछ बोल दिया कि तो ये लड़का ऐसा है ना ऐसा है, इसने जाके फॉरेन में बनाया और उसने कुछ ज़्यादा बात कह दी हमारे बारे में। तो ये इतने खुश हो गए कि मेरे को सुबह में बुला लिया और बिना पूछे बोले कि 11 पिक्चर आप मेरी साइन कीजिए। मैं बोला भी हाँ, तो मैं बोला भाई 11 क्या मजाक क्या हो रहा है। बोले ना हमारा लकी नंबर है 11 और हम कल आपका काम देख के इतने खुश हो गए। तो मैं बोला हमने कभी सोचा भी नहीं मेरा डायरेक्टर बनना और मैं असिस्टेंट भी नहीं हूँ किसी का। बोले नहीं हम जौहरी हैं, हमें मालूम पड़ता है कि इसने क्या है, आप सोच के बताइए। और तो मैं एक दो दिन सोच के मतलब इतना सामने से चांस मिल रहा है, तो हमने मुझे मालूम नहीं था कि एक और कुछ बात सुन के मुझे साइन कर रहे हैं। जब छलिया हमारी हिट हो गई तभी एक दिन मेरे को पूछ रहे हैं कि आप तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, आपने कैसे फादर से झगड़ा किया, कैसे फॉरेन गए और क्या। तो उस टाइम तो मैं फॉरेन गया भी नहीं था, मैं बोला मैंने झगड़ा नहीं किया ना फॉरेन गया नहीं कोई इसमें। तो उन्होंने पूछा कि आपने बोला कि आपने तो ये सब, बोला मैंने कहीं सुना था इसलिए आपको बोला। तो बोला अभी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, अभी तो मैं हिट हो गया हूँ, उस टाइम तो हम हिट हो गए थे। ऐसे कोई बंदा थे। नागिन की बीन अब तक हमारे कानों में गूंजती है, कुछ भगवान कृष्ण की मुरली जैसे। उसके बाद सुना गया कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है कि हर फिल्म में आपको कहा गया कि आप बीन बजाइए, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि कभी भी जो चीज़ चल पड़ती है वो फिर उसी चलती है। तो बीन ऐसी पहले हमने बनाए थे सती नाग कन्या में, वो नाग कन्या बसी हो रहे मेरे पिया को न दसी हो रहे, वो गाना चल पड़ा। तो उसके ऊपर से जालन साहब ने और हेमंत कुमार ने बुलाया नागिन के लिए, तो बीन इतनी चल पड़ी। तो एक दिन मुझे बुलाया गया एक म्यूजिक ने, तो गाना था गांधी जी के ऊपर, गांधी जी ने तो मकान दिया कमाल ने ये ना कुछ, तो मुझे बोला कि इसमें बीन बजाइए आप। मैंने गांधी जी में बीन क्या बजानी है क्या नहीं, तो बोले आप बजाइए आपको क्या करने का है, सेंसर काटेगा तो हम समझे उन्होंने सेंसर नहीं, बोला आपको बैठता नहीं है माइंड में। उन्होंने फोर्स किया, हमने बजाया, वो गाना भी हिट हो गया। तो बाद में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका, मैं देखो यहाँ इंडस्ट्री है हमारी फिल्म लाइन में, इसमें कोई लॉजिक नहीं कान को। जैसे नागिन में मैंने बजाई तो उसमें वर्ड है वो कौन बजाए बांसुरिया, तो वर्ड है बांसुरिया वहाँ बज रही है पुंगी और इधर मैं क्लेवेलन बजा रहा हूँ, कोई मेल नहीं है, तीनों में कोई मेल नहीं है और फिर भी सुपरहिट गाना है। तो कानों के जो अच्छा पूछा था वही सही बात है, यहाँ तो कुछ नहीं, बस यही है। नागिन में बीन बजाई तो वो बीन नहीं थी, हाँ बीन थी नहीं, हाँ
सिंथेसाइजर बज रहा था। हाँ, उसमें क्या था, वो बीन जब बड़े ना तो उसमें थोड़ा सा अंदर सिंथेसाइजर के हमारा एक मैकेनिक था, उसको मैं बोला कि ये टोन है, क्योंकि वहाँ तो बीन उनको मालूम नहीं फॉरेन वालों को, तो मैंने इस टोन के अंदर अगर थोड़ा सा कुछ आप चेंज करें, तो उन्होंने कोई कंडेंसर बदल बदल के मेरे को सुनाते रहे कि ये बराबर लगता है, तो एक दफे का मैंने ये बराबर है, तो कंडेंसर थोड़ा बदल के हमने किया तो वो टोन करेक्ट है। फिर तो उन लोगों भी स्नेक चार्मर बोलते अभी वो टोन बना लिया। तो उस टाइम क्लेवलैंड नया साज था बिल्कुल, और हम मैं किसको बोलूं कि इसमें 30 साज बज रहे हैं तो सबको गप लगता है, उनको लगता है अंदर कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और करके, हाँ ऐसे ही सबको लगता था, सब हमको कोई झूठ बोल रहा है, कोई मैंने कि क्या बनावट कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, और बाद में फिर सब लोग को पता चल गया कि ये चल गया। लेकिन उसके बाद तो इंस्ट्रूमेंट इतना, उस टाइम मैं कह रहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि फॉरेन वालों को था कि एक दफ़े खोज हो गई ना फिर उसके अंदर इतनी तरक्की करते चले जाते हैं, तो आए देखिए कि एक सिंथेसाइजर के सामने कोई भी साज टिकना बड़ा मुश्किल हो गया, यही कमाल है इसके। आपको संगीत में इतनी रुचि कैसे हुई, आप तो व्यापारियों के परिवार से हैं। आपको एक मजाक लगेगा लेकिन मैं छोटा था तो हमारी दुकान थी हमें बनी हुआ नहीं, तो मेरे पिताजी एक दिन मेरे को फोर्सली बोलते थे कि तुम जाओ दरावाड़े के पास ऊपर जो सामने एक म्यूजिक हॉल था उधर जाके बैठो और जो बोलते हैं वो करो। तो बाद में पता चला कि वो द्राभाड़े करके जो आदमी थे उसने हमारी दुकान से सामान लेते थे सर, वो बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन बाद में कोई उनकी फिनंशियल पोजिशन अच्छी नहीं थी तो पैसे नहीं दे सकते थे, लेकिन वो बोलते थे कि देखो मेरा संगीत क्लास चल रहा है तो आप किसी को भी भेज देना, मैं किसी को चार्ज नहीं करूँगा और मैं इसी हिसाब से कुछ पैसे फिट करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हमारे बाद ने सब अपने बिजनेस माइंडेड ने बोले चलो भेजो जो भी कवर हो सकता है इतना करो, तो मुझे कंपल्सरी वहाँ भेजते तो वो कानों में सुन 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 के मुझे अच्छा लगने लग गया। ऐसे ही मुझे सही बात है, ऐसे लगेगा किसको कि मजा करने, सही बात है। आपने दर्शकों का श्रोताओं का के पल्स को हमेशा समझा है, कई आपके गाने जैसे जब जब फूल खिले में था, परदेसियों से नाखियाँ मिलाना, उसी के कॉम्पोजिशन पर कई गाने बने, आप कैसे समझ सकते थे कि ये हिट होगा? आपके गानों में एक और बात है कि सिंप्लिसिटी आप हमेशा रखते हैं कॉम्पोजिशंस में, उसके बारे में बताइए। ये क्या, हम ओशो के साथ रहे, रजनीश जी के साथ, तो उनके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखने मिली हैं हमको कि कोई भी काम करो उसको साइंटिफिक बनाओ। जैसे मैं बटन दबाता हूँ तो बिजली होनी चाहिए, अगर बिजली नहीं हो रही है तो समझा कि चांस ले रहा हूँ। ऐसे कोई भी काम करे, तो जब मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाया गया तो मैंने सोचा कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर हम बन गए, अब हमारा क्या काम है और हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि भाई सबसे बड़ा काम था कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर का गाना बजना चाहिए, चलना चाहिए, लोग गाएँ, तो गाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग एज के लोग हैं, एक छोटा बच्चा भी गाना गाए, बड़ा भी गाए, तो इसके लिए क्या कि सिंप्लिसिटी, दैट इज द मेन थिंग, कि सिंप्लिसिटी होगी तो ही बच्चे गाएंगे। तो उसके लिए क्या कि जो भी राइमिंग चाहिए, नर्सरी राइमिंग, जैसे आपने के डम डम डिगा डिगा मौसम, इस टाइप की क्या क्या कर सकते हैं, डबल वर्ड्स कैसे आएँ, क्या क्या आएँ, ऐसी पूरी मेथड है इसकी। ये गाना आप जो सुन रहे हैं और हिट हो गया है, उसके अंदर पीछे कोई एक चीज़ है कि जो आपको पकड़ के बैठी हुई है, वो फिर राइमिंग है उसकी, मन डोले मेरा तन डोले, उसकी राइमिंग है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर बैठेंगे तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये आइडिया आ गया मैं लोगों के भैया से, तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरे नहीं तो तीसरा गाना हिट तो होना चाहिए। फिर कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जैसे परदेसी, परदेसी इतना अच्छा वर्ड है, आप देखो जहाँ भी परदेसी आया कुछ दीवानापन, ये भी ऐसा वर्ड है, कुछ पर्दा कुछ ऐसा है, कुछ महबूब, ऐसे पाँच छः वर्ड ऐसे हैं कि इसको आवाज़ आवाज़ के जितने भी गाने होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चलना ही है उनको, ऐसे कुछ चीज़ें। तो देख रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ों का असर होता है, कौन कौन से राग ऐसे हैं, जैसे पीलू है, शिवरंजनी है, ये कुछ भैरवी, इसके सुर इतने यमन, तो ज़रा थोड़ा टाइम बजाओ तो आपको फौरन असर करने लग जाए, तो कुछ रिदम है ऐसे नए नए वो भी असर करते हैं। फिर कभी कभी आवाज़, एक आवाज़ ऐसी आती है कि एकदम कानों को ध्यान देती है, वो भी आवाज़ अगर कभी आ जाती है तो भी अच्छा लगता है। अगर आगाज़ ये है तो अंजाम क्या होगा, ये दर्शक खुद ही बता सकते हैं। आपसे एक और बात पूछनी थी कि आप अक्सर हैमरिंग साइंस करके कुछ कहते हैं, उसका क्या मतलब है? हैमरिंग साइंस मतलब ये, तो हमारे जो एक गाना हिट हो तो क्या उसके अंदर उसमें आ जाता है कि कोई भी चीज़ कैसे आपको, या एक दफे मैं कहता हूँ, फिर दो दफे कहता हूँ, फिर तीन दफे कहता हूँ, फिर चार दफे हैमर करता हूँ, तो कभी कभी झूठ बात भी सच हो जाती है। हैमरिंग 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 हैमरिंग,
फैमिली की बहुत अलग अलग स्टाइल हैं। पहले तो डबल वर्ड आता है, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें हैं, सारी सारी रात तेरी, गली गली कली कली, जो भी है डबल है। फिर दूसरी राइमिंग आती है, मुझको साथ की तनाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, ऐसी राइमिंग आती है। कोई ट्यून में हम कहते मन न डोले मेरा, तन डोले, ये कौन बजाए। फिर एक ही गाने को मेल गाएगा, फीमेल गाएगा, फिर इंस्ट्रूमेंट में बजेगा, वो हैमरिंग बाहर निकलो तो वो गाना आपको अनकॉन्शियसली याद हो जाए, ये हैमरिंग साइंस है। ये अक्सर तो देखा गया कि जब एक गाना दो बार बजता है, लड़का लड़की दोनों गाते हैं, तो हिट हो जाता है। हाँ, वो उसी का चॉइस भी मिलता नहीं, इसने कैसे गाया, इसने कैसे गाया। यहाँ जितने भी सिंगर हैं वो कभी आपको सुनाएंगे, खाली एक एक जस्ट आप बोले खाली गाना करें, खाली सलाम मुखड़ाई देखना। हर संगीतकार ने सरगम के साथ सुरों को अपने अपने ढंग से, अपने अपने अनुभव के तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। आज सुनते हैं कल्याण जी भाई ने सरगम के साथ सुरों को कौन सी परिभाषा दी है। के सा मतलब सास, नागिन, रे मतलब रंगमंच, ये गम से गंधार, गाना म से मौसीकी, प से पूजा, द से ध्यान, नी से नए नए कलाकार। कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी पहली जोड़ी थी जिन्होंने पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को रंगमंच पे उतारा। इनकी जोड़ी पहली जोड़ी थी जिनको पहला नेशनल अवार्ड म्यूजिक का मिला सरस्वती चंद्र के लिए। आज ये हमारे पास आए हैं अपने कलावीर अकेडमी के सदस्यों को लेकर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। Sorry.
नहीं था, धनी नहीं था।